आप रविश में आज जैसे लाइव टेलीकास्ट सुमेरपुर में दयावान फिल्म्स तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रही है। सभी भक्त लोग आप रहो आशीर्वाद रूपी, सभी कलाकारों ने भी आशीर्वाद देना है। जितना भी अपने बीच में अतिथि पधारी है सभी बड़ों ने भी आशीर्वाद देना है। और जो भी भारतीय भक्त लोग पधारी है खूब खूब स्वागत। सत्संग में जितना भी भक्त लोग पधारी है सभी भक्तों का खूब खूब स्वागत। आप रविश में एक और गुरुवाणी पेश करूँ और वन्य बाद में आज भी जैसे सत्संग सुर विरो रही है रोवाड़ा धनी हो रही है तो वनोरे बीच में दो चार भजन वनोरा पेश करूं। एक पहला गुरु महाराज री एक हाजरी पेश करूं। बोले सतगुरु भगवान की जय है। अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय है। सतगुरु मारा वाणिया सतगुरु मारा वाणिया विन ज करे अपार बिन तोला बिन ताकड़ी गुरु तोल दियो संसार। गुरु गोविंद हूँ खड़े गुरु गोविंद हूँ खड़े किन के लागू पाया बलिहारी गुरुदेव री भाई गोविंद दी हो मिला। तो लीजिए भक्तों गुरु महाराज जी भक्ति कबीरदास जी लिखी एक प्रकार थी। हो अरे कुपारो नीरी किणी विधि सुके अमियारो नीरी। देखो भक्तों आज भी सत्संग जैसे आ रात चौदस रही है और भाद्रवे महीने कलाकार एकमती हरू वे जाए और शब्द सुधी आवे जी वणन तो आपने देव ने सौदा दिन कौम करो तो आप सभी भक्त लोग बैठा हो आप रोज आशीर्वाद आप रोज जोश देखने कलाकारों और भी जोश आवे। आप भक्तों ने माती भी भक्ति करनी चाहो नरते रहते आप कर सको आ दाता रो दरबार खुल्लो है। एक बार बड़ाई प्रेम दी जयकारो लगा अपना गुरु महाराज रो भले सत्य करु भगवान की जय। अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो। अरे कुपारो नीरी किनी विधि सुके अमियारो नीरा किनी विधि सुके चिर सायड़ी सुहावे ओ गुरु साधिना गुण भाने प्रेम जल पावे भाई।
हरा रे गुरु जी, हरा रे गुरु जी, संदन सरी हाँ।
जल पावे। बोले बोले सुरापुरा देव की जय हो। सुरापुरो रो आज री जागरण में प्रथम भजन पेश कर रहे हूं और आज रे जैसे सत्संग लाभार्थी सुरापुरो रा बिल्कुल प्रकाश जी अब बीच में एक भजन रे बाद में बिल्कुल आप बीच में नर्तकार भी पहुंची कि प्रथम भजन सुरापुरो रो हाथ लिंग दी रो है। एक भजन अपने सुरापुरो रो है तो सर्वप्रथम ऐसे ही हाजिरी देनी है और वन्ने बाद में बिल्कुल लगातार भजनों में आप रे बीच में नर्तकार पहुंच रही है तैयार वेरी है। एक छोटो सा भजन पेश करो आप रे बीच में रोवाड़ा में जन्मिया रोवाड़ा में जन्मिया मारा साधलुंग सिंह जी सरदार सत धर्म ने कारणे जारो जग में मरीना साधिंग जीरा भोपा जी भी विराजमान है पुजारी भी विराजमान है भक्त लोग भी विराजमान है तो प्रथम पुष्प पेश करो हो गोडवाड़ रागो मुंह में ए पुण्या धड़ी सातलिंग बिल्कुल देसी भजन है गोडवाड़ रागो मुंह में ए पुण्या धड़ी सातलिंग लाई गोडवंती नारी रे सातलिंग हालिया गया रे सावरी आरे माया
जय सूरवीर बोले सूरवीर महाराज की जय हो बोले साधनेन्द्र सिंह सरदार की जय हो अरे अजले रे मजले साधनेन्द्र आलिया गया रे हावरिया रे माई पलोरी जा जमराली हम लोरी भरे मनी मारा रे बजाओ परसों सब भाई लीलो पलोरी जा जमराली हम लोरी भरे मनी मारा रे थोड़ा मोने परा मोरे और सुन करे आपने नमू तुम्हारी जरणी ने नामू बोणी रो बड़ा वाड़ो लाजे तुम्हारी रोणी ने नाम बोणी रो बड़ा वालो लाजे अरे सूरवीर भाई अरे सिंह सरदार ओ जतरे दरबारो री बंदूक फूटी साधलिंग रे सीना माई लागी रे जतरे दरबारो री बंदूक फूटी एक ही और सीना माई लागी रे सार
सर गोली सीना में लागी उबाऊ बाऊ से बट खाले सर सर गोली सीना में लागी उबाऊ बाऊ उसे बट खाले रे तुम्हारी रोनी ने नाम बड़ी रोवाड़ा वालो लाजे रे अने नमो तुम्हारी जरनी ने नाम अरे बड़ी रे रोवाड़ा वालो लाजे रे सभी भक्त लोग दोनों हाथ खोलने जाकर लो अड़मत सिंह जी भी बाबा जी पधारी उड़ाए अगर कोई वंशित नाम रियो हुए तो मने याद नहीं है जितना भी बाबा जी आप सत्संग में पधारी आए सबोई भक्तों रो बाबा जी रो सत्संग में खूब खूब हार्दिक स्वागत है आप रिश में और दूसरी हाजरी दातारे दरबार में पेश कर रहे हो आप सभी भक्त लोग सरदाती सुने और भाव नृत्य लेने बिल्कुल ललिता उदयपुर पहुंचे हो हो दादा ये सनपुरी नगरी में थोरो दे बीरो आदरी सत्संग सनपुरी धन्य दरार माते सनपुर गांव में दातारो दरबार सनपुर नगरी रे माए तो बिल्कुल आप रे बीच में हाजिरी पेश कर रहे हो ओ दाता ओ सनपुरी नगरी में थोरो बेसी जोरदार ताले से आशीर्वाद प्रदान करें बहुत सुंदर भक्ति
हो दाता सनपुरी नगरी में थोरो देवी घोड़ा घोड़ा आपरा घोड़ा 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 आपरा घोड़ा घूमे रे दिली रे सवायो लागे देवी हो
अरे घोड़नी आली छा, अरे फूलो वाली छा, सबायो लागे देवी रो। और मैं निवेदन करूं एक भजन बिल्कुल वैसे 12 बजवा माते हैं और 12 बजियो रे बाद में ही हुरो पुरो रो टाइम वे सूरा 12 बजियो रे बाद में रवाना शुरू हुए हैं। तो मैं निवेदन करूं बिल्कुल सभी भक्त लोग विराजें और आप रिपीट में गादीपति भोपा जी विराजमान हैं, सुनीलाल जी, हरमत सिंह जी। मैं भोपा जी ने भी निवेदन करूं कि सभी भक्तों ने आप दातारे दरबार में दर्शन दातारा अनि मोटा मेला में वैणा जोजे सभी भक्तों रे बीच में और आदरी भक्ति में दाता ने हमें विशेष साधलिंग सिंह जी दरबार ने साधलिंग सिंह जी दाता ने आदरी भक्ति में बुलावा। आप सभी भक्त मिलने सभी भक्त लोग बुलावे तो साधलिंग सिंह जी दाता बिल्कुल रोवाड़ा धनी बिल्कुल दरबार में पहुंची और दर्शन देवी। आप सभी भक्तों री इच्छा वही सिर्फ यूनिक भाई बजने री इच्छा है। आप जतरा भी विराजमान बैठोड़ा भक्त लोग आप सभी री अर्जी छोड़ने दाता बिल्कुल पधारी एडो मारे विश्वास है मन रे माए और दाता रे विश्व में बिल्कुल 12 बज गया है और 12 बजे और बाद में सूरो पुरो रो टाइम वे सूरा बिल्कुल देवल में रंबा शुरू हुए हैं। तो सूरवीरो टाइम ही होए 12 बजे बाद में तो सूरवीरो एक बार सभी भक्त लोग दोनों हाथ खोलने सरदाती जो भी सूरवीरो ने मोने रोवाड़ा ठाकुर साहब ने मोने बोले सूरवीर अने धरती रे माते सूरवीर है और सूरवीर अच्छा अच्छा काम मोरा किदा है भक्तों ने तारिया है वे भक्त दोनों हाथ खोलने जयकारो पेश करे एक बार बोले सूरवीर महाराज की। थोड़ो जयरो जयकारो बिल्कुल जोरदार आवण जोजे पूरा गांव रे माए बिल्कुल लागनी जोजे के दाता रे दरबार में साधलिंग सिंह रे दरबार में सत्संग आले रिए और जयकारा रो जय उड़ेरी। तो थोड़ो जोर आवाज आवण जोजे बिल्कुल सभी सरदाती बोलनी है भक्ति है भक्ति भाव ती उत्पन्न वे आप रे में भाव है तो ऑटोमेटिक ताकत आ जाई। एक बार दोनों हाथ खोलने जयकारो पेश करो बोले साधलिंग सिंह जी सरदार की जय हो बोले सूरवीर महाराज की जय हो बोले आशापुरा महात की जय हो। वाह भक्तों वाह आप भी जय हो। बिल्कुल पधारे नर्तकना पाया लाबू रोड एक बार सभी भक्त लोग आशीर्वाद प्रदान करें। हो जन्नी जने तो ऐसा जने के भक्त दातार के सूर नहीं तो रे जे वांजनी मामती घमा में मुखड़े वालों। कभी लोग के जन्नी जने तो ऐसा जने भक्त दातार के सूर
बिल्कुल आप भी आवाज आएगी है। कवि के जन्नी जने तो ऐसा जने भक्त दातार के सूर नहीं तो रेजे वांजनी मती घमावे मुकरो नूर। देखो संसार में एड़ा माता पिता वे जो पूरा जिंदगी बेटों ने बेटी ने पाल पोस ने बड़ा करे, कड़ी ती कड़ी मजदूरी करे ने पालन पोषण करे और बनने बाद में भी बच्चा आपरो नाम खराब कर दे तो बड़ा नूर उतर जाए। तो कवि लिखियो है जननी जने तो ऐसा जने भक्त दातार के सूर नहीं तो रेजे वाजनी वाजनी भले रे। और के बाकी जननी जन्म देवा वाली माँ शीतल ब्याह करे और उत्तर देवे बोले जननी रो कचूर नहीं है, जननी जन्म दे सके जन्म देने बड़ा कर सके पाल पोस ने बड़ा करे शिक्षित बनावे और बनने बाद में उल्टा सीधा मार्ग पकड़े वो अधिकार जन्नी रो नहीं है खुद रो है। जन्नी बिसारी क्या करे पत्थर पड़ियो पे एक पत्थर ने संदन चढ़े। जैसे अपने रावड़ा ठाकुर साहब है पूरो संसार पूजे एड़ो काम की दो है आगले डोकरे की ओडो के करेला सेवा तो मलेला मेवा लिखियो। जन्नी बिसारी क्या करे रे पत्थर पड़ियो पे एक पत्थर ने संदन चढ़े भाई दूजा पत्थरी ही अने। अरे आवणो पड़ेला सुरा आवणो पड़ेला आदरी भक्ति में सभी भक्त मिलने दाता ने बुलावना है और सभी मिलने बिल्कुल दाता ने बुलावना तो मीठी मीठी ताली रे हाथ है आपने भी गुणगान करना है। अरे आवणो पड़ेला धनियो आवणो पड़ेला बिल्कुल मिट्टी मिट्टी ताली रहा जाते हैं लगा लो ताली एक बार बाबा ठाकुर साहब री बोले ठाकुर साहब की जय हो बोले सूर महाराज की जय हो। आवणो पड़ेला धनियो आवणो पड़ेला भरिया मेला में दर्शन देवना पड़ेला अरे भगतों वालो मान सुरवीर राखणो पड़ेला भगतो वालो मान ठाकुर सब राखणो पड़ेला भगत बोलाया दाता आवणो पड़ेला आवणो पड़ेला धनियो आवणो पड़ेला आवणो पड़ेला सुरवीर आवणो आजरी जमा में थोने आवणो पड़ेला एक बार सभी भक्त रवड़ा ठाकुर साहब ने बुलावता तक एक बार दोनों हाथ खोलने हाजिरी पेश करें बोले सातलिंग सिंह सरदार
पूरे नगरी में खोलो अरे देवलो है भारी पूरे नगरी में थोड़ो देवलो है बारी देवलिया में घोड़ा घूमे आप रहा भारी नगरिया में घोड़ा घूमे आप रहा भारी ये घोड़े रे सड़े ने धनिया आवड़ो पड़े घोड़े सड़े ने धनियो आवड़ो पड़ेगा घोड़े रे सड़े ने धनियो आवड़ो पड़ेगा कवाड़ा दरबारो थोने आवड़ो पड़ेगा अरे भगतो वालो मोन धनिया राखड़ो पड़ेगा अरे भगतों वालों मान दाता राखड़ो पड़ेला भगता वालों मान धनी राखड़ो पड़ेला हरिया मेरा में दर्शन देवना पड़े हाजरी भक्ति में दर्शन देवना पड़ेला पूरे नगरी में थोड़ो अरे मेलो लागो भारी पूरे नगरी में धड़ी रो मेलो लागो भारी अरे मेला माई घोड़ लिया खेला बड़ा पड़े मेला माई घोड़ लिया खेला बड़ा हाजरी भगती में थोने आवड़ो पड़ेला ठाकुर सब थोने पधारणो पड़ेला परे देवली आ गए ये ढोल नगारा बाजा अरे ढोला रे ढमकाऊ धनिया आवड़ो पड़ेला ढोला रे ढमकाऊ धनिया आवड़ो पड़ेला हरिया मेला में दर्शन देवना पड़ेला आवड़ो पड़ेला
पड़ेला नगरी में थोड़ो अरे देवलो है भारी अरे नगरी में थोड़ो देवलो है भारी अरे रोबा राती घोड़ला खेला मना पड़ेला रोबा राती घोड़ला खेला मना पड़ेला पूरे नगरी में घोड़ा ढाबना पड़े साहब पधार गया है सभी भक्त लोग आशीर्वाद ले और एक बार सभी भक्त लोग आशीर्वादी रूपी दाता रे दरबार में दोनों हाथ खोलने हाजिरी पेश करे जयकारा लगावे बोले रावड़ा ठाकुर साहब की जय हो बोले सूरवीर महाराज की जय हो बिल्कुल देसी भजन पेश कर रहे हो एक छोटो सो ओ अरे ढोल बाजे अरे सनपुर रे मान अरे सुर विरोरो जय बोला अरे ढोल बाजे सनपुर नगरी रोवाड़ा विरोरी जय रुड़ान रमिया सुनी लाल जी रे डील रोवाड़ा विरोरी जय बोला ए ढोल बाजे सनपुर नगरी मां जूजा रोरी जय बोलो यो सनपुर नगरी मां रोवाड़ा विरोरी जय बोले सूरवीर महाराज की जय हो बोले सातलिंग धनी सरदार की जय हो एक बार सभी भक्त लोग जितना भी विराजमान भक्त हैं सभी भक्तों ने निवेदन करूं कि दोनों हाथ खोल लें सूरवीरो सोनगरा चौहानों रो जयकारो पेश करना है बोले सोनगरा चौहान की जय हो बोलो वीरमदेव जी महाराज की जय हो देखो अगला जितना भी तीन चार भजन हुआ है बड़ों में लगातार आप विश्व में नाचवा वाला है
मैं निवेदन करूं ओ भजन आपरे वास्ते स्पीडलेस गावरियो कि आप भक्तों रे माती कोई भी भाव नृत्य करना चाहो दाता रे दरबार में तो बिल्कुल मंच खुल्लो है। आपरे माती बिल्कुल भक्ति करनी है, जो भी सूरवीरों ने माने हैं और जो भी नाचनो जाने उन्होंने बिल्कुल सत्य बात है कि दाता रे दरबार में नाचनो पड़ी। अगर दाता रे दरबार में नहीं नाचिया तो दूजो रे आगे नाचना पड़ी आपने, और नाचवारा तरीका अलग अलग है, वो तो शांतिपूर्वक है। आपने देवने से नाचवारा तरीका किन प्रकार दिवे। हेलो तो बिल्कुल वीरमदेव जी महाराज मुगल सेना रे हाथे लड़ाई करता करता वीरगति प्राप्त हुआ, एड़ा सूरवीर ने आज याद करा। हो जालोरी रा वीर ने, जालोरी रा वीर ने थने वारी जाऊं खम्मा घणी, सत धर्म कारण लड़ पड़िया थोने रंग है सुहाना खम्मा घणी। तो लिखियो we
बीमारी आई थी जो आदमी रे घंटा भरिया में गांठ उठती और दो घंटों में खत्म हो जातो। वन में एड़ा सूरवीर है, जो भी सूरवीर है खेड़ारा वणी वणी रक्षा की थी। तो प्रथम सोनग्रा चौहान ओडवाड़ा गांव में परसो दी दो और सोनग्रा चौहान और शॉट नगवा दी बिल्कुल जितना भी भक्तों रे गांठ हुई थी वे आल माल वेगी और परसो चावो और तावो है। एक बार दोनों हाथ खोलने जाकर पेश करो बोले सूरवीर महाराज की जय हो।
समझ बिल्कुल पुराना है, डोकराई समझ शब्दों ने समझ सके। एक ठकोने मने पूछवा लगा, बोले शंकर भाई अब खाजरू कहीं है, मेको खाजरू ओपे बकरान चढ़ावे वो तो बिल्कुल अगलो डोकरों टाए कोई क्यों अमुक अमोर का मोटियारे बनो में समझ में ज्ञान ने बिल्कुल दोनों हाथ खोलने एक बार जयकारो पेश करें। बोले सूरवीर महाराज की जय हो। जय हो। एक बार जयकारा थोड़ा प्रेम थी और जोर